आ जाइए। बाबा जान बुलाया आपने? माशाल्लाह, मेरा बेटा शहजादा लग रहा है आज। बैठो। आपकी मोहब्बत है बाबा, लो बेटा, ये रहा आपकी शादी का गिफ्ट। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपका गिफ्ट आपको शादी से पहले दे दिया। एक तो इसकी जरूरत नहीं थी और दूसरा ये बहुत ज्यादा है। मैं क्या करूंगा इतनी बड़ी अमाउंट का? बेटा इसे आप अपने बिजनेस में लगाएंगे और क्या, खुश है ना? जी। गुड। ईशल के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबा जान। अच्छा तो बेटा मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन ईशल के लिए मैं शानजे के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। लेकिन बेटा क्यों? आपने ईश्वर को मेरे हवाले किया था, मुझे उसको इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बेटा अगर आप उसे छोड़ भी देते, ईशल को कम से कम ये बाबर जरूर करवा देते कि तुम्हारे बाबा इतने बड़े एडवेंचर को सह नहीं पाएंगे। और अगर मेरे मरने के बाद वो आ भी गई, उससे कह देना कि क्या फायदा इस एडवेंचर का। परेशान ना बाबा जान, आपको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह ईशल जल्द वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। दादो, लग
तो दादू को मेरी आवाज नहीं जा रही, अंदर ही चला जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ओके, तो तुम हो इस सब के पीछे? बाबा जान और अम्मे को तुमने अपनी मोहब्बत का एक सिर्फ ये सब करने के लिए दिलाया है? कितने में बेची अपनों की मोहब्बत? बोलो, कितने में बेची अपनों की मोहब्बत? क्या दाम लगाया तुमने मुझे इस अजाब में फंसाने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत। तो फिर कैसा है बताओ, कैसा है? दीन का लिबादा उड़ के तुम ये घिनौना काम करते हो? देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस बाबा जान से। अपनी गंदी जबान से मेरे बाबा जान का नाम मत लेना, आखिरी बार बता रही हूँ। मारे तो सर से लेके पैर तक सिर्फ छोटी बसों, अरे तुम्हारे तो खून में भी जूस शामिल है। रूह दिल पे जितने सखम नहीं है ना, उतनी तुम्हारे लिए नफरत भर गई है। नफरत करती हूं मैं तुमसे, ठीक? कभी बिल्कुल ठीक कहता था, मुझे समझाता रहा, बताता रहा। कि यहां के लोग बहुत सेल्फिश हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए ना कोई भी लिबादा पहन लेते। दीन और मजहब का लिबादा उड़ के भाई बीच में आ गए और साफ बन के हमें रास्ता शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जान, को कितना इत्मीनान था, शर्म आनी चाहिए। कम
हाँ तो इस बात पर है कि खुदा भी तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं कहता और हमेशा तुम जैसे लोगों का साथ ही देता है। बस मिशेल, आपने मेरे बारे में जो सोचना है आप वो सोचें, लेकिन अगर आपने अब मेरे दीन या मेरे अल्लाह के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अभी इसी वक्त अल्लाह से माफी मांगें और उससे अच्छे की उम्मीद करें। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज मेरे घर की रौनक तो बाला कर दी। चांदे बेटा, आपका हमारे घर में आना आपको मुबारक हो। थैंक यू बाबा जान। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। उम्मीद शानजे बेटे को इनके कमरे में ले जाइए। जी बाबा जान। चलो बेटा। अब क्या तारा पड़ गया तुझे? हाँ? क्यों रोए जा रही है? सारा मेकअप का कुछ कर लिया कबख्त? क्यों आंखें मल रही है? बदतमीज। आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ क्यों देख रही है? ये तरबियत दी है तुझे उन्होंने? नीचे निगाहें कर। मैं तुमसे पूछ रही हूं क्या बात हुई उससे? बोलती है कि नहीं? खुदा की पनाह है इस लड़की से, रत्ती भर भी शर्म हया नहीं है इसमें। आंखें नीची कर, तेरी तरबियत ही ठीक नहीं। नीची कर निगाहें, तेरी शर्म। नूरी बहू बेगम, तो हम मर गए के सब के सब। बहू बेगम। जी अम्मा। ले जाओ उस कमबख्त को।
ये रिश्तों और रसूलों की कैसी जंग छिड़ी है जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं चाहता तो था कि हमारी शादी बड़े धूमधाम से हो और बड़े ही एहतमाम के साथ मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊं, मगर हालात ऐसे हो जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ईशल के बिना सब कुछ कितना फीका फीका और बेरंग सा लग रहा था। मैं भी ईशल को बहुत मिस कर रही हूँ। इंशाल्लाह वो जल्दी हमारे साथ होगी और मैं अपनी बहन को हर हाल में ढूंढ के रहूंगा। मेरा ना दिल बहुत घबराता है जब भी मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं ईशल किस हाल में होगी। बिल्कुल परेशान हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो बिल्कुल ठीक होगी। आज हम अपनी नई जिंदगी के सफर का आगाज करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये सफर पूरी पॉजिटिविटी के साथ हो। और मैं चाहता हूं कि हम मिलकर हर परेशानी और मुसीबत का सामना करें। वादा? उन्होंने भी इस वक्त आवाज देनी थी। हाय।
कोई इंतहा होती है बिगड़ती की। नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से जो अपने फायदे के लिए दीन के लिए बातें में लोगों की वफाओं का सौदा करते हो। बाबा जान क्या है ये आपके सच्चे और सही अकीदा लोग जिसे ना आपके बुढ़ापे का ख्याल आया ना तन्हाई का आपकी बीमारी को कैश करवाया। अजीब अजीब लोग जाने में कितना गलत हो गया ये सब कुछ। हिशल तो और मजीद गलत सोचेगी दीन के बारे में। ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा उस मासूम और बेबस लड़की को दीन से मुंतजर होने से बचा ले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो और क्या कर रहे हो? जी वो मैं, मुझे लग रहा है तुम परेशान हो, बताओ क्या परेशानी है? वो इसलिए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज है, लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है? वो मुझे, किसी के मुजरिम समझने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, तुम कसूरवार तो नहीं हो। जी
एक बात याद रखना शाफिन, कुछ भी हो जाए तुम उसे तन्हा छोड़कर नहीं आओगे। आप फिक्र मत करें, मैं उसे इस तरह छोड़कर नहीं आऊंगा। मेरे दीन की इज्जत का सवाल है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। खुदा हाफिज। शाफिन कहाँ थे तुम? मैं कमरे में आया तो तुम कमरे में भी नहीं थे, और बाहर देखा तो बाहर भी कहीं नजर नहीं आया तुम मुझे। वो मौसम थोड़ा अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लूँ। दैट्स ग्रेट। लेकिन ये तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं सब ठीक है। मैं शर्मिंदा हूँ सुबह जो कुछ भी हुआ, लेकिन ट्रस्ट में हम लोग बुरे नहीं हैं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वैसे दिल में बात आई। लेकिन बताओ ना, किसके परेशान हो? नहीं वो बस वैसे ही। नहीं लेकिन तुम्हारे चेहरे पे परेशानी देख के मैंने बात कर ली। यार वो I need some help। क्या बात है शाफिन, बताओ मुझे। तुम बाबा को जानते हो? हाँ वही रियान इस परे जिनसे मिलवा रहे थे। हाँ वही, मैंने बताना था ईशल के बारे में। ईशल? ईशल, ईशल यहाँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसे इस हाल में मिलूंगा। मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे उसे कुछ समझाने के लिए। परेशान मत हो, बात यहां दोस्ती की नहीं है। सबसे अहम उस लड़की के ईमान का सवाल है। वही तो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जब तक उस लड़की का खोया हुआ एतमाद उसे वापस नहीं दिला दूंगा, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, इसका हाल सोचो। तो यार तो इंसान को ना इतना भी स्टूपिड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? चौदह बजे इतना स्टूपिड लग रहा हूं मैं? तुम्हें नहीं कह रही हूं बाबा। हाँ कह तो मुझे ही रही थी, अब बात क्यों बदल रही हो? कहा ना तुम्हें नहीं कह रही हूं। तो सुबह सुबह
इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? तुम पहले उठ जाओ, मैं फिर बता दूंगी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम? तो मुझे ना इतना फॉर्मली तैयार होने नहीं आता, मैं क्या करूं? तुमने शक्ल देखी है अपनी? क्या हूं मेरी शक्ल को? तुम्हें इन सब फॉर्मल एक्टिविटीज की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम तेरी आंखों से अपने चेहरे को देखोगी तो बहुत हसीन पाओगी। ताऊ, तुम भी ना। क्या मैं भी ना? तुम ना। क्या क्या मैं क्या बेगम साहब? ताऊ, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा तुम्हें मेरा बेगम साहब कहना? तो अच्छा लगा। ये तुम्हारे शोहर नामदार का हॉल है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी ब्यूटीफुल हो या ना, शोहर तो मैं तुम्हारे ही हूँ। मैं जानती हूँ, बट ऑर्डर क्या था? ऑर्डर सिर्फ सिंपल है, जितना मैं जब तुम शादी से पहले किया करते तो नहीं तुम शादी की बात करोगी। सिंपल। वो तो ठीक है, बट आई वॉन्ट अ फ्रेंड, नॉट शोहर नामदार। ओके, प्रॉमिस? या प्रॉमिस, मेक इट सिंपल। क्या ये सच है बाबा? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। शांजे की किडनैपिंग में कैफी का हाथ था। मुझे तो यकीन नहीं है कि वो ऐसा भी कर सकते। आखिर शांजे से उसकी दुश्मनी क्या थी? तुम्हें यकीन करना पड़ेगा बेटा, वो इशल की वजह से हम सब से दुश्मनी पर उतरा हुआ है। वो किसी वक्त किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम क्या करें बाबा? बहरहाल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को सारा मामला बता दिया है, उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में होगा। कहीं ना बेटा ना, इशल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे लगता है कि हमने इशल को उससे दूर किया होगा और वो इशल को पसंद करता है, इसी वजह से सब कुछ करता फिरता है। मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई? अरे दबाना छोड़, बता गई थी? इजाजत है दादी जान? इस वक्त क्या काम याद आ गया तुम्हें? लगता है आप नाराज हैं मुझसे। जानते हो तो पूछते क्यों? माफ नहीं करेंगे। नहीं माफ करूंगी तो क्या कर लोगे? अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं अपने कान पकड़ लूंगा और कान उस तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। छोड़ो,
छोड़ो पकला, जानता है ना कि तेरी दादा तुझे कितना प्यार करती है। जानता हूं दादी, आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा एक बात तो बता। जी पूछिए। कल ईशल को तो देखा है ना तूने? जी दादा। इसका मतलब है कि तुम भी ईशल की खूबसूरती के असीर हो गए ना? उसमें मेरी नीलम की झलक दिखाई देती है। बिल्कुल दादा, ईशल नीलम पप्पू जैसी ही है। तो क्या ईशल तुम्हें पसंद है?